नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम पोलारिस्कोप कहते हैं। ये पोलारिस्कोप हमने घर पे ही बनाया है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम स्टोन के SR और DR को चेक करते हैं। SR यानी सिंगल रिफ्रैक्शन, DR यानी डबल रिफ्रैक्शन। SR और DR को चेक करके हम स्टोन में प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, जिससे कि हम डायमंड और क्वार्ट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर वो डायमंड होगा तो SR होगा, और अगर क्वार्ट्स होगा तो वो DR होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। जो लोग नए हैं, जो आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाना बताया है कि इसे हम कैसे बना सकते हैं घर पे, और इसमें हमने स्टोन को चेक करके भी बताया है कि SR और DR हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो एक बार आप हमारा पुराना वीडियो देखना ना भूले, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो एक एनालाइजर है और ये एक पोलराइजर है, ये शीट्स को हम कैसे घर पर बना सकते हैं, कैसे हम आसानी से कुछ घरेलू चीजों से भी इसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ये एनालाइजर और पोलराइजर कैसे बनाएंगे। तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। ये एनालाइजर और पोलराइजर, इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ग्लास के कुछ पीसेस ले लेने होंगे। ये देखिए, कांच के पीसेस है गोल, ठीक है। मैंने ये सर्कल शेप में लिया है। दरअसल ये कहां से मुझे मिला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास कुछ पुराने स्टोन्स के बॉक्सेस ऐसे पड़े हुए हैं। ये स्टोन के बॉक्सेस होते हैं, इनमें ये ग्लासेस के कवर होते हैं, ठीक है। ये स्टोन के बॉक्स वाले हैं, मैंने इनमें से ये गोल ग्लास निकाल लिया है, सर्कल वाले, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये गोल ग्लास ही होना चाहिए, आप कोई स्क्वायर ग्लास भी ले लेते हैं, या किसी स्क्वायर शेप हो, ट्रायंगल शेप हो, किसी भी तरह से आप एक शीशा ले लीजिए, बट गोल हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें इसे घुमाकर देखना होता है। तो आप किसी भी तरह के दो पतले शीशे के ग्लासेस ले लीजिए, ठीक है, ये आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने बताया था कि कैसे इनमें बने गए, तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीज। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ स्क्रीन्स है, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये दरअसल मैंने लैपटॉप वाले शॉप से लिया है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है। मैं लैपटॉप की स्क्रीन में आपको इसलिए दिखा रहा हूं, जितने भी इस तरह के डिस्प्ले स्क्रीन्स होते हैं, इनमें एक पोलराइजर फिल्म लगी होती है हर स्क्रीन में, जितने भी, चाहे वो आपके घर पे टीवी हो, कोई खराब टीवी हो, या फिर मोबाइल फोन हो खराब वाली, या फिर कैलकुलेटर हो, या फिर टैबलेट हो, जितने भी तरह के स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं, इन सब में एक पोलराइजर फिल्म लगी होती है, जिसकी वजह से हम इसे देख पाते हैं। अगर हम इस पोलराइजर फिल्म को निकाल दें तो इसमें स्क्रीन नहीं आएंगे, ये व्हाइट पूरा रहेगा, हम इसमें कुछ देख नहीं पाएंगे। जैसे हम इस फिल्म को लगाएंगे तो हमें वो पिक्चर्स नजर आते हैं। तो हर स्क्रीन में एक पोलराइजर फिल्म होता है। वो पोलराइजर फिल्म कैसा होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसा कि हमारे हर फोन या चीज में एक हम स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह के कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर होते हैं। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये जैसे एक फिल्म है, इसी तरह का एक पोलराइजर फिल्म होती है। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है जिसकी जरूरत नहीं है, ये आपको हटा देना है पहले, ठीक है। इसके ऊपर एक पोलराइजर फिल्म होती है, जो बहुत बारीक आप किनारे से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा इस किनारे पे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसे हम कैसे इसे निकाल सकते हैं, और किस तरह से इसे निकालकर हमें इसमें फिक्स करना है इन दो ग्लासेस में, जिससे हम इसके एनालाइजर और पोलराइजर बना सके। हमने ये बड़ा स्क्रीन इसलिए लिया है ताकि हम बड़े साइज में बना सके। मोबाइल्स वगैरह में छोटे होते हैं तो हम छोटे बना नहीं सकते, इसलिए एक लैपटॉप वाली स्क्रीन हमने ली है। ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, आपको ये किसी भी मोबाइल लैपटॉप वाले शॉप में, आप उनके यहाँ पे जाकर ये ले सकते हैं, उनके लिए ये वेस्ट मटेरियल है, आपको बिना कॉस्ट में वो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। या फिर अगर आपके घर पे पड़े हो कोई भी पुरानी टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, या फिर कोई पुराना मोबाइल जो कि खराब हो चुका हो, तो आप उसकी स्क्रीन से ये निकाल सकते हैं। आपको इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस स्क्रीन प्रोटेक्टर हटाना है। उसके बाद इसमें एक पोलराइजर शीट लगी होती है, उस पोलराइजर शीट को हमें निकालना होता है, जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं हम इसे कैसे निकालकर बना सकते हैं। दोस्तों,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लैपटॉप की स्क्रीन हमने ली हुई है, इसके ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा है जिसे हम सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देंगे। इसके लिए आप एक नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सावधानी से यूज करना है। हम सबसे पहले इस स्क्रीन प्रोटेक्टर को रिमूव कर लेते हैं। ये हमारा कोई यूज में नहीं, इसे हम पहले फेंक देते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन है, इस पे एक पोलराइजर फिल्म लगी होती है जिसे आप स्क्रीन में देखेंगे, तो हम बहुत सावधानी से इसे एकदम किनारे से बहुत सावधानी से इसे निकालना है। ये बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो शीट है ना दोस्तों, ये पोलराइजर शीट है, देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का शीट है, ठीक है। इस फिल्म को निकालनी होती है, जिसे बहुत सावधानी से निकालना होगा, वरना ये खराब भी हो सकता है। और ये बहुत ही स्ट्रांग ग्लू से चिपका रहता है, तो हम इसे बहुत ही धीरे धीरे बहुत आराम से इसे निकालेंगे। जैसे आपने देखा दोस्तों, ये पोलराइजर शीट हमने इतने निकाल दिए। अब आपको एक काम करना है, जो हमने दो ग्लासेस लिए थे, इन दो ग्लासेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इन्हें हम कपड़े से बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अच्छी तरह से क्लीन कर लें और इसे यहीं पर रख दें, और इसे भी अच्छे से क्लीन कर ले, इसे भी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इन दो ग्लासेस को यहाँ रखा है, और जैसे आप इसकी जगह बड़े ग्लासेस भी ले सकते हैं, हमने वैसे ये छोटे ग्लासेस लिए हैं जो हमारे यूज में आ जाएंगे। अब इस स्क्रीन को आप इसके ऊपर आराम से इन्हें पेस्ट करते हैं, इन ग्लासेस पे। ठीक है दोस्तों, हमने इसे यहाँ पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसे इस कटर के माध्यम से इसे कट कर लेंगे। हमने इस ग्लास को यहाँ से पोलराइजर शीट को हम काट लेंगे, ठीक है, देखिए। इसके बाद हम शीट को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, हमारा ये पोलराइजर शीट जो है वो बाहर निकल चुका है, ठीक है। हम इसे वापस से एक बार अच्छे से पेस्ट कर लें ग्लास में। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बबल्स रह जा रहे हैं, तो आप उन बबल्स को निकाल दें। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चिपक गया है। अब हम इसे सीजर की मदद से इसे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, ये पोलराइजर शीट है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये डार्क हो रहा है, ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये डार्क हो गया, देखा आपने, ये पोलराइजर शीट, ठीक है। तो हमने जो ये ग्लास बनाया है, हम इसे अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखा दोस्तों, हमने बड़ी आसानी से एक पोलराइजर शीट बना लिया है, जो कि आप देख सकते हैं,
ये बहुत आसानी से हमने बना लिया है, और इसे देखिए आप ये वर्क कैसे करता है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये हमारा एक लाइट है, ये हमारा पोलारिस शीट, ये देखिए ये ब्राइट है, और हम इसे घुमाएंगे, ये देखिए ये डार्क हो गया, देखा आपने, ये पोलराइजर पोलारिसिट बन चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने ये एक पोलराइजर और एक एनालाइजर बना लिया है, ठीक है। अब हम इसे एक चेक करके देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसा कि हमने एक बॉक्स बनाया था पोलारिस्कोप वाले, तो हम इसमें इसे फिट कर देखते हैं। हमारे पास ये स्टोन है, आज हम इसे चेक करेंगे कि ये एसआर है या डीआर है। इसके लिए पहले हम इसे डार्क फील्ड में सेट करेंगे, ये हमने इसे डार्क फील्ड में सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम इस स्टोन को यहाँ प्लेस करेंगे नीचे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोन हमारा दिख रहा है, देखिए ये स्टोन ब्राइट है और ये डार्क हो गया, ये ब्राइट और देखिए ये धीरे धीरे डार्क हो गया, ठीक है। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये ब्राइट और ये डार्क, ये ब्राइट और ये डार्क। इसका मतलब है ये जो हमारा स्टोन है ये डीआर स्टोन है, यानी डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये शीट्स कैसे बनाए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं हमारे ये पोलराइजर और एनालाइजर। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको एक पोलराइजर और एक एनालाइजर बनाना कैसे है ये हमने आपको आपको बताया है कि इसे कैसे हम घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने इसे किस तरह से बनाया है और कैसे इसे पेस्ट करना है बहुत सावधानी से। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसा ये सर्कल में बना है आप इसे स्क्वायर में बना सकते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि हम इसे किसी भी शेप में बना के अगर हमारे पास बड़े स्टोन्स को चेक करना है तो हम एक बड़ा पोलराइजर भी बना सकते हैं बड़े बॉक्स के हिसाब से, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे बताए गए तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम पोलारिस्कोप से कैसे स्टोन को बहुत आसानी से जजमेंट कर सकते हैं कि यह डायमंड है या क्वार्ट्स है या कोई अलग स्टोन है, एसआर है या डीआर है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।